भीषण गर्मी में विद्युत कटौती को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। विद्युत सप्लाई बाधित होने पर भीषण गर्मी में लोगों का हुआ हाल बेहाल। कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहे लोगों को भीषण गर्मी में विद्युत निगम की मनमानी मार डाल रही है। पिछले कई दिनों से पड़ रही नौतपा की भीषण गर्मी में जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में जारी विद्युत कटौती ने लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया है। आज बुधवार को विद्युत निगम की मनमानी को लेकर सैंपो कस्बे में लोगों ने विद्युत कटौती को लेकर की जा रही विद्युत निगम की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने विद्युत निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि बीते मंगलवार को दिन भर बिजली नहीं आई। दिन भर बिजली नहीं मिलने से गर्मी से बेहाल क्षेत्रवासियों को रात 9 बजे लो वोल्टेज बिजली के आने से कोई खास राहत नहीं मिली, जिससे रात भर लोग पसीने से लथपथ होते रहे और सो नहीं सके। गर्मी की वजह से छोटे बच्चे एवं बुजुर्ग व्याकुल और बेहाल देखे गए। इधर कई दिन से लो वोल्टेज और विद्युत कटौती से बुधवार को कस्बे के मिस्त्री मार्केट में कामकाज पर बुरा असर देखा गया। लोगों ने बताया कि विद्युत निगम के अधिकारियों को कई बार लो वोल्टेज की शिकायत की जा चुकी है, उसके बावजूद भी वोल्टेज बढ़ाने के लिए कोई सुधार नहीं किया गया है, जिसके चलते कृषि उपकरण सहित ट्रैक्टरों की मरम्मत का कामकाज पिछड़ रहा है। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत निगम द्वारा लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। विद्युत कटौती हो रही है, आमजन काफी परेशान है। इस समय लॉकडाउन की वजह से वैसे ही कारोबार सारे बंद पड़े थे, अब जब लॉकडाउन खुला है किसान काफी परेशान है, कारोबार सब ठप पड़े हुए हैं। लाइट की वजह से कोई काम नहीं चल रहा है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट से सभी लोग परेशान हैं। लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, थोड़ी है डोरा सी चमक रही है। लाइट से न तो पंखे चल रहे न कूलर चल रहे, सभी परेशान हैं। रात को सोने में भी परेशानी आ रही है, दिन में भी परेशानी आ रही है। इतने गर्मी तब बहुत आदमी परेशान है, मोड़ी मोड़ा ज्यादा परेशान है रहे हैं। बीमार महिला अस्पताल के बाहर फर्श पर पड़ी तड़पती रही। धौलपुर जिले के सरमथरा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस कर्मी की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। चूहे मारने की दवा खाकर अस्पताल के प्रांगण में 50 वर्षीय महिला तड़पती रही। महिला का पुत्र बार बार एम्बुलेंस कर्मी को फोन लगाता रहा, लेकिन 2.5 घंटे तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। जानकारी के मुताबिक सरमथरा थाना क्षेत्र के ढोमई गाँव निवासी 50 वर्षीय निब्बो पत्नी रमेश ने किन्हीं कारणों से घर में रखी चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया, जिससे महिला की तबीयत घर पर बिगड़ने लगी। परिजनों ने नजदीकी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथरा पर भर्ती कराया, लेकिन महिला की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन तत्कालीन समय पर अस्पताल में एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। परिजन जीतू ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने महिला को बाहर निकाल दिया। अस्पताल के बाहर फर्श पर पड़ी बिलकती रही। परिजन ने बताया एम्बुलेंस कर्मी को फोन किया था, एम्बुलेंस कर्मी ने 20 से 25 मिनट में आने की बोला था, लेकिन एम्बुलेंस मरीज को लेने नहीं आई। इस दौरान पीड़ित अस्पताल प्रबंधन से एम्बुलेंस बुलाने की गुहार करता रहा। महिला की हालत ज्यादा बिगड़ने पर छटपटा रही थी। स्थानीय लोगों ने मामले की खबर RCHO डॉक्टर शिव कुमार को दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस को बुलाया, उसके बाद महिला को जिला अस्पताल भिजवाया गया। करीब 2.5 घंटे तक महिला भीषण गर्मी में फर्श पर तड़पती रही, लेकिन सिस्टम के जिम्मेदारों ने मानवता दिखाने तक की जहमत नहीं उठाई। क्या आपका? मेरा नाम जीतू है। क्या कैसे हैं आए यहाँ? हमारी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है। अच्छा, एम्बुलेंस को फोन किया? एम्बुलेंस को फोन किया था। क्या बताया? उन्होंने न कहा 20 मिनट में आ रहे हैं, हमको 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया यहाँ पे। 2.5 घंटे से कोई एम्बुलेंस नहीं आई? नहीं आई बाबूजी। आपने कॉल किया था? हाँ किया सर। कितनी बार? 2 बार कर दिया। आज दिनांक 9 जून को मैं CSC सरमथरा पर कोरोना टीकाकरण की प्रोग्रेस और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की प्रगति के संबंध में आया था, तो तुरंत ही मेरे संज्ञान में आया कि एक एम्बुलेंस है जो लेट हो गई है, जिसकी वजह से एक जो महिला यहाँ पे एडमिट हुई थी तो वो पहुँच नहीं पा रही है। तो तुरंत ही मैंने जानकारी ली उसकी, तो सूचना मिली कि उसकी पंचर हो गई थी, स्टेपनी खराब थी। तुरंत ही मैंने जिला स्तर पर इसके बारे में अवगत कराया, तो तुरंत ही एम्बुलेंस आ गई और उस महिला को यहाँ से उच्च संस्थान पर रेफर करवा दिया गया है। युवाओं ने वैक्सीन लगवाकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना का संकल्प लिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तत्वाधान में आज बुधवार को स्थानीय भार्गव बाटका में स्वास्थ्य विभाग के निर्देशन में आयोजित 18 से 44 आयु वर्ग के कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में युवाओं ने वैक्सीन लगवाकर सरकार द्वारा जारी की गाइडलाइन की पालना का संकल्प लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल ने शिविर में आए युवाओं से अधिक वैक्सीनेशन कराने का आह्वान किया, जिससे जिला शीघ्र कोरोना मुक्त हो सके। रेड क्रॉस सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया
बताया कि जिले में वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग में अब कोई परेशानी नहीं आ रही है। शीघ्र स्लॉट बुक कराकर वैक्सीनेशन कराएं। शिविर में आई युवाओं ने वैक्सीनेशन के स्लॉट बुकिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। रेड क्रॉस पदाधिकारी बिमल भार्गव ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा आमजन को अधिक से अधिक कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। धौलपुर जिले को कोरोना मुक्त करने के संकल्प के साथ आज जिला प्रशासन धौलपुर द्वारा एक बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी को ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में बढ़ रहे आपराधिक कृत्यों को लेकर भाजपा ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सरमतरा कस्बे में भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के निर्देशानुसार भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव को बुधवार को एक ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह पहलावत ने कहा कि प्रदेश में कुछ दिनों से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसमें भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली पर आत्मघाती हमला, डॉक्टर दंपति की सरेराह गोली मारकर हत्या, करौली में बलात्कार का मामला, सवाईमाधोपुर में भी हत्या आदि की घटना बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी ने कहा कि राजस्थान सरकार वैक्सीनेशन के कार्य में भी लापरवाही बरत रही है। अभी कुछ दिन पहले ही वैक्सीन से भरी हुई वायरल कचरे में मिली है। ज्ञापन देने वालों में बहादुर सिंह पहलावत, मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, शिवम खेमरिया, भूरा खां पायलट, दीपक सोनी, सुरेश प्रजापति, मयंक चौहान, रमन जिंदल, शिवचरण गोविंद झा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सरमतरा प्रेम नारायण सोनी आज माननीय राज्यपाल जी के लिए ज्ञापन एडीएम द्वारा सरमतरा द्वारा प्रेषित किया गया, जिसके अंतर्गत सांसद भरतपुर रंजीता कोहली जी पर जानलेवा हमला एवं भरतपुर में ही डॉक्टर दंपत्ति को सरेआम गोली मार के हत्याकांड एवं करौली में बालिका बलात्कार, नाबालिग के साथ बलात्कार की घटनाएँ, धौलपुर में सरेआम गुंडागर्दी, किसी को भी उठा के ले जाना, किसी को भी गोली मार देना, यहाँ राजस्थान सरकार इस कानून व्यवस्था के लिए बिल्कुल फेल है। इसका हम आज बिल्कुल विरोध करने प्रदर्शन करते हुए यहाँ एसडीएम कार्यालय पर माननीय महामहिम श्री राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है। इसे कड़े और इस सरकार के खिलाफ हम कड़े बड़ा आंदोलन करने की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज हम इस आंदोलन को और उग्र रूप से बढ़ाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री सरवण जी वर्मा के निर्देशानुसार अगर सरकार समय पर नहीं जागी तो हम इसके खिलाफ और भी बड़ा राज्य पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पुलिस ने 7 वर्ष से फरार चल रहे 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने आज बुधवार को कार्रवाई करते हुए 7 वर्ष से फरार चल रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों बदमाश ट्रैक्टर लूट के मामले में 7 वर्ष से फरार चल रहे थे। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना इलाके से दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बाड़ी थाना SHO गजानंद चौधरी ने बताया कि SP केसर सिंह शेखावत के निर्देश में जिले भर में बदमाशों, डकैतों एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान के तहत जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रही है। पुलिस ने बताया कि 7 साल से ट्रैक्टर लूट के मामले में 2 बदमाश फरार चल रहे थे। पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि दोनों बदमाश थाना इलाके में आए हुए हैं, जिस पर पुलिस टीम गठित कर 26 वर्षीय गिरिराज पुत्र सरनाम सिंह गुर्जर निवासी सूखे का पुरा और 46 वर्षीय सुरेश पुत्र महाराज सिंह गुर्जर निवासी सूखे का पुरा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि तफ्तीश के दौरान अन्य संगीन वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ने 2 सगे भाई बदमाशों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 7 महीने से फरार चल रहे 2 सगे भाई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के खिलाफ जिला समेत करौली जिले के विभिन्न पुलिस थानों में संगीन धाराओं में अभियोग दर्ज है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि थाना इलाके में वारदातों को अंजाम देकर पिछले 7 माह से 32 वर्षीय बदमाश दिनेश पुत्र बचन सिंह एवं उसका भाई कल्लन उर्फ कल्ला उर्फ सत्यवीर निवासी झींगा का अड्डा अतिराज का पुरा फरार चल रहे थे। दोनों बदमाशों
आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार बने हुए थे। उन्होंने बताया, स्थानीय पुलिस को बुधवार जरिए मुखबिर सूचना मिली कि दोनों बदमाश थाना इलाके में आए हुए हैं। मुखबिर की सटीक सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों पर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को दबोच लिया। उन्होंने बताया, दोनों बदमाश जिला समेत करौली जिले में भी संगीन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट एवं लूटपाट जैसे संगीन धाराओं में अभियोग दर्ज है। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने बताया, तफ्तीश के दौरान अन्य संगीन वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। थाना कंचनपुर के पुराने मुकदमे है, मुकदमा नंबर 349/20 जो नवंबर महीने में दर्ज हुआ था, जिसमें परिवादी गुड्डू ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कुछ मुलजिमानों के खिलाफ मारपीट और हत्या का प्रयास, लूट और अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था और अनुसंधान चल रहा था। तो प्रकरण में जो जुर्म प्रमाणित मुलजिम थे, उनमें से कंचनपुर थाना पुलिस टीम ने कल दो मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुलजिम अभ्यस्त किस्म के अपराधी हैं। मुलजिम का नाम, एक का नाम दिनेश शनौ बचनू उर्फ बचन सिंह और दूसरे का नाम कल्ला उर्फ कल्लन उर्फ सतवीर पुत्र बचनू उर्फ बचन सिंह, निवासी गण दोनों छिंगा का अड्डा अधिराजपुरा के रहने वाले हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे गुंडा बदमाशान की धरपकड़ अभियान के तहत और स्टैंडिंग वारंटी के धरपकड़ अभियान के तहत भी इन मुलजिमानों की तलाश थी, क्योंकि दिगर मुकदमात में इन मुलजिमानों के खिलाफ थाना आजा पर 3 स्थायी वारंट ऑलरेडी थे। तो पुलिस थाना कंचनपुर टीम को इन मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। प्रकरण 349/20 में तफ्तीश जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर अग्रवाल समाज ने जताया विरोध। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल संगठन राजस्थान के प्रदेश एवं जिले के पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक का आयोजन जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश युवा अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने की। ऑनलाइन बैठक में कल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा वैश्य समुदाय पर की गई जातिगत टिप्पणी की अखिल भारतीय युवा अग्रवाल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने निंदा करते हुए कहा कि ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री का बातचीत का ये स्तर है कि वैश्य समुदाय के लिए इतनी ऊंची मानसिकता रखते हैं कि इस तरह की टिप्पणी कर दी। इस महामारी में सबसे ज्यादा त्रस्त वैश्य व्यापारी हुआ, फिर भी वैश्य समाज द्वारा अपनी जान की परवाह ना करते हुए समाज के भामाशाह ने इस महामारी में सहयोग की भावना रखते हुए सरकार और प्रशासन का साथ दिया, और ऐसे वैश्य समुदाय के लिए गोविंद सिंह के द्वारा की गई टिप्पणी से पता चलता है कि वो कितनी ऊंची मानसिकता के शिकार हैं। प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंगल ने बताया कि वैश्य समुदाय उनके इस बयान की घोर निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह करता है कि इस प्रकरण में संज्ञान लेकर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें, और साथ ही बताया कि समाज के विभिन्न संगठनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी विरोध जताया है। अगर जल्द समुचित कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश युवा अध्यक्ष के निर्देशानुसार अखिल भारतीय युवा अग्रवाल संगठन पूरे प्रदेश के जिलेवार एवं ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन देकर आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष सौमेंद्र मंगल ने बताया कि समाज के बंधुओं में मंत्री द्वारा किए गए बयान को लेकर काफी रोष है और मुख्यमंत्री को मामले में शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो इसका पार्टी को नुकसान भुगतना होगा। डाकघर कार्यालय में डाक अदालत का आयोजन 23 जून को। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल राजस्थान परिमंडल कार्यालय जयपुर के आदेशानुसार भारतीय डाक विभाग के तत्वाधान में कार्यालय अधीक्षक डाकघर धौलपुर के कक्ष में 23 जून को प्रातः 11 बजे डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अधीक्षक डाकघर ने बताया कि डाक अदालत में धौलपुर मंडल की जनता की साधारण डाक, स्पीड पोस्ट, विदेशी डाक, रजिस्टर्ड पत्रों, पार्सल आदि प्राप्त जन शिकायतों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को इस संदर्भ में शिकायत हो तो अधीक्षक डाकघर कार्यालय में अपनी शिकायत 16 जून तक पूर्ण विवरण सहित भेजें। उन्होंने बताया कि परिमंडल और क्षेत्रीय स्तर पर शिकायतें मुख्य डाक महाध्यक्ष राजस्थान परिमंडल जयपुर के कार्यालय में 30 जून को प्रातः 11 बजे डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें जन शिकायत प्राप्त होने की अंतिम तिथि 23 जून है। 10 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता सीडी जयपुर डिस्कॉम धौलपुर रूप सिंह गुर्जर ने बताया कि 33-11 KV अंबिका सबस्टेशन निकलने वाले 11 KV सिंहावली, सामौर, चीलपुरा व मैनपुरा फीडरों की 10 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि 132 KV GSS रीको के, 33 KV कोलारी, 132 GSS मनिया के, 33 KV मनिया एवं बगचौली, 132 KV GSS मरैना के, 33 KV जाटौली मढ़ावाऊ और जसमपुरा, 132
केवी जीएसएस, रायाखेड़ा के 33 केवी नदौरा नागर मरैना एवं रायाखेड़ा, 132 केवी जीएसएस बाड़ी के 33 केवी बाड़ी रामसागर मतसूरा सरमथरा एवं बरौली, 132 केवी जीएसएस बसेड़ी के 33 केवी बसेड़ी कंचनपुर नादनपुर एवं बाड़ी तथा 220 केवी जीएसएस धौलपुर के 33 केवी सैंपो एवं डांग बसई फीडरों की 10 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।